सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 50 पैसे के पुराने सिक्कों के बारे में और जानेंगे 50 पैसे के तीन ऐसे सिक्के जिनकी कीमत है बहुत ज्यादा। दोस्तों, 50 पैसे के सिक्के आजकल तो देखने में नहीं आते हैं क्योंकि यह चलन से बाहर हो गए हैं। वैसे अभी तक यह लीगल टेंडर है, भारत सरकार ने इसे डीमोनेटाइज नहीं किया है, तो कानूनी रूप से 50 पैसे का सिक्का लेने से कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी यह चलन से बाहर हो गए हैं और कुछ 50 पैसे के सिक्के बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गए हैं। जो सबसे महंगे 50 पैसे के सिक्के हैं, उन सिक्कों के बारे में हम बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। फिलहाल हम आपको बताना चाह रहे हैं 50 पैसे के ऐसे कॉमन सिक्के जो हो सकता है आपको आपकी गुल्लक में मिल जाएं या आपके घर पर रखे हुए हों, बेकार समझकर यूं ही आपने इधर उधर रख दिए हों। तो 50 पैसे के कॉपर निकल की धातु में जो सिक्के बने थे, उसमें दो तरह के सिक्के बने थे। पहला तो यह वाला सिक्का बना था, इसमें फ्रंट में बड़ा सा अशोक एम्बलम, बाईं तरफ देवनागरी में भारत और राइट हैंड साइड इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। इसके रिवर्स में 50 अंकों में बड़े अक्षरों में लिखा गया है और 50 के ऊपर देवनागरी में पैसे और इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ है। नीचे की तरफ इसमें मिंटिंग ईयर दिया गया है। कापर और निकल की मिश्र धातु में यह सिक्के 1972 से 1983 तक ढाले गए थे बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंटों द्वारा। इनका वजन होता था 5 ग्राम, साइज 24 mm, मेटल कापर और निकल, शेप सर्कुलर। इस तरीके के सिक्के यदि आपके पास हो तो आप कृपया देख लें कि 1978, 1980 और 1983 के सिक्के बहुत महंगे होते हैं। 1980 का सिक्का जो है, यदि कलकत्ता मिंट का है, तो उसकी कीमत है 75 रुपीज से 750 रुपीज तक। कलकत्ता मिंट के सिक्के पर ईयर के नीचे कोई मार्क नहीं होता है, मिंट मार्क नहीं होता है, वो प्लेन होता है, मतलब वो कलकत्ता मिंट का सिक्का है। इसके बाद जो सिक्के आते हैं इसी डिजाइन में 1983 के, उनकी कीमत होती है लगभग 500 रुपए, जो मात्र कलकत्ता मिंट द्वारा ही ढाले गए थे और उसमें भी मिंटिंग ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं होता है। और इस डिजाइन का सबसे महंगा सिक्का है 1978 का, जिसकी वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 2000 रुपए। बॉम्बे मिंट द्वारा ढाले गए सिक्कों में ईयर के नीचे मिंट मार्क दिया जाता है, जो कि एक डायमंड होता है। तो यदि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है जिसका सन 1978 और उस पर 50 पैसे लिखा हुआ है, तो ऐसे सिक्कों की कीमत वर्तमान में लगभग 2000 रुपए चल रही है। अब बात कर लेते हैं ये दूसरी डिजाइन वाले, जो कार्विंग बहुत ही सुंदर की गई है इस पे। यह सिक्के भी कापर और निकल की मिश्र धातु में 1984 से 1990 तक ढाले गए थे बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, एक विदेशी मिंट टैगू कोरिया द्वारा। इस डिजाइन के सिक्के कोरिया में 1985 में ढाले गए थे, क्योंकि उस टाइम पे चिल्लर का कंजप्शन बहुत ज्यादा था और भारत में उस टाइम पे जितनी भी मिंटें थी वो सभी मिंटें मिलकर, मतलब देश की चारों मिंटें मिलकर इतने सिक्कों का उत्पादन नहीं कर पा रही थी जितनी आवश्यकता थी। इस वजह से कोरिया द्वारा यह सिक्के मिंट करके बुलवाए गए थे, लेकिन वह सिक्के इतने ज्यादा मिंटिंग हुए थे कि उनकी आज की तारीख में कोई एंटिक वैल्यू नहीं है और वह एक कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी सिक्का वैल्यूएबल होता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि उसकी मिंटिंग काफी कम होती है या वह रिजर्व काफी कम संख्या में हो पाए हैं। इस वजह से ऐसे सिक्कों की वैल्यू न्यूमिस्मेटिक मार्केट में काफी हाई हो जाती है। और 50 पैसे के सिक्के चूंकि चलन से बाहर हो गए हैं, इस वजह से आने वाले समय में 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू और ज्यादा और जल्दी बढ़ने की संभावना है। तो यदि आपके पास 50 पैसे के ऐसे सिक्के हैं तो आप उन्हें संभाल कर रख सकते हैं, तो संभाल कर रखिए, आपको FD से भी ज्यादा रिटर्न यह 50 पैसे के सिक्कों से आने वाले समय में जरूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी डिजाइन वाले, जो कार्विंग वाली डिजाइन है, उन सिक्कों के बारे में। यह सिक्के 1984 से 1990 तक ढाले गए थे कापर और निकल की मिश्र धातु में, 5 ग्राम वजन और 24 mm की साइज में, सर्कुलर शेप में। इसमें यदि आपके पास 1989 वाला हैदराबाद मिंट का यह कॉइन है, तो उसकी कीमत लगभग 1500 रुपए चल रही है। हैदराबाद मिंट की पहचान यह है, ये जो सन लिखा रहता है 1989, इसके नीचे एक स्टार मिंट मार्क होता है, तो वह सिक्का हैदराबाद मिंट में ढाला गया है, उस मिंट मार्क को देखकर यह पहचाना जा सकता है।
इसके बाद अगला सिक्का है 1986 का, जो बॉम्बे मिंट द्वारा ढाला गया हो तो वह कीमती माना जाता है, कलकत्ता मिंट वाला कॉमन माना जाता है। बॉम्बे मिंट वाले ऐसे सिक्के के आपको आज की तारीख में मिल सकते हैं 3,000 से 6,000 रुपए तक। और इस डिजाइन का सबसे महंगा सिक्का है 1988 का नोएडा मिंट का। जी हाँ दोस्तों, 1988 का यदि नोएडा मिंट का ऐसा सिक्का है, नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है डॉट, तो यदि आपके ऐसे सिक्के में सन के नीचे डॉट दिया गया है और वह 1988 का है, तो समझो आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि ऐसे सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस 10,000 रुपए से भी ऊपर चल रही है। और मरुदर ऑप्शन पर इस सिक्के की एस्टिमेटेड प्राइस 15,000 से 20,000 रुपए आकी गई है। तो यदि आपके पास ऐसा सिक्का है तो ऐसा सिक्का ऑक्शन में भी बहुत आसानी से बिक जाता है और आपको एक सिक्के के 15,000, 20,000 या उससे भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। और कुछ ही दिनों बाद मुंबई में कॉइन एग्जीबिशन लग रही है, जहां पर ऑप्शन भी होंगे, तो हो सके तो आप उस ऑप्शन में आइए, आप उस एग्जीबिशन में आइए और अपने ऐसे कीमती सिक्के लेके आइए और हाथों हाथ नगद पैसे लेकर घर जाइए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, कोई भी काम करें तो यह हमेशा याद रखें कि ईश्वर आपको सदैव देख रहे हैं। आप हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं बहुत ही जल्द फिर मिलने के लिए। जय हिंद, जय भारत।